एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मामा अर्थ की आर्गन हेयर मास्क की। एंड ये मैं रिसेंटली परचेस की हूँ एंड आज मैं ये अप्लाई भी की हूँ। एंड आप लोग जो मेरे हेयर देख रहे हो, सो ये अप्लाई करने के बाद ये ऐसे लग रहा है मेरे हेयर। तो मैं आप लोगों को डेमो जरूर शेयर करूंगी, बट उसके पहले इसका रिव्यू करूंगी मैं। तो सबसे पहले बता दूं, मामा अर्थ इज अ ब्रांड विच इज डेफिनेटली क्रुएल्टी फ्री एंड फ्री फ्रॉम पैराबेन एंड सिलिकॉन। और ये सिर्फ हम लोगों के लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी इसमें काफी सारा प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो कि क्या क्या इसमें मिलते हैं, तो आई पुट द वेबसाइट लिंक ऑन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डेफिनेटली चेक इट फ्रॉम देयर। सो ये है मामा अर्थ की आर्गन हेयर मास्क। इसमें और भी दो वेरियंट अवेलेबल है, एक है ऑनियन हेयर मास्क एंड दूसरा है टी ट्री हेयर मास्क। सो ये जो है आर्गन हेयर मास्क, इट इज बेसिकली फॉर फ्रीज फ्री एंड स्ट्रॉन्गर हेयर। एंड दिस इज पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री, हाइपो एलर्जेनिक एंड विथ इट कंटेंस विद बायो एक्टिव्स। सो इट डेफिनेटली कंटेंस आर्गन, एवोगाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन। एंड इट इज बेसिकली फॉर रिपेयर्स ड्राई एंड डैमेज्ड हेयर। एंड इट इज सुइटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर एज वेल एज कर्ली हेयर ऑल्सो। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, आई हैव ऑलरेडी रीड इट एज वेल, तो मैं आपको नीचे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी जहां पे आप लोग सब कुछ देख पाओगे आराम से। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है अक्टूबर 2019, यू कैन यूज इट अप टू सितंबर 2021। इसका प्राइस है 599 रुपीज। यू आर अ न्यू यूजर देन यू कैन गेट सम डिस्काउंट, सो आई विल पुट अ कूपन कोड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट अ डिस्काउंट। डेफिनेटली माई वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, इज जस्ट टू हेल्प यू। एंड इसमें आपको मिलेगा 200 ml की प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली दिस इज अ यूनिसेक्स प्रोडक्ट, बोथ मेन एंड वुमेन कैन यूज इट। आपको पहले अपने जो हेयर्स है उसको एक माइल्ड शैम्पू से क्लीन कर लेनी पड़ेगी। उसके बाद अपने जो हेयर्स है उसमें जो एक्सेस वाटर है आप उसको एक टॉवल ड्राई कर लीजिए थोड़ा सा हल्का करके। उसके बाद आप इसको अप्लाई कीजिए एंड डेफिनेटली यू कैन अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प एंड डेफिनेटली ऑन योर हेयर। सो ये कंडीशनर की तरह नहीं है कि आप ये सिर्फ हेयर में अप्लाई कर सकते हो, अपने स्कैल्प में नहीं। ये आप स्कैल्प में एज वेल एज अपने हेयर्स में आराम से अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके बाद आपको मास्क को 15 से लेकर 25 मिनट्स तक छोड़ देना है एंड आफ्टर दैट आपको आराम से इसको धो लेना है। सो अब धोने के टाइम में भी आप कोई दूसरा शैम्पू यूज कर सकते हो या फिर आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश आउट कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसके इनर पैकेजिंग। ये काफी ज्यादा, आप लोग देख सकते हो, काफी ज्यादा क्वांटिटी की है ये जो बॉक्स है। एंड इसमें जो स्मेल है, जो फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज इट इज नॉट वेरी मच स्ट्रांग फ्रेग्रेंस और ओवर पावरिंग, बिकॉज आई डोंट लाइक स्ट्रांग फ्रेग्रेंस इन एनी हेयर प्रोडक्ट बिकॉज इट कॉजेज हेडेक ऑन मी। एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। ओप्स, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये बिल्कुल एक क्रीम की तरह है, व्हाइट क्रीम की तरह है। एंड बिल्कुल इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है, बहुत माइल्ड है एंड एक हल्का सा, एक यू नो, हल्का सा बिल्कुल एक मिंथॉल की तरह ये स्मेल करता है, विच इज रियली सूथिंग एंड रिलैक्सिंग एक्चुअली। तो इसको यूज करने के बाद आप बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन फील करेंगे और मेरे ख्याल से इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत अगर आपके स्ट्रेस है तो उसको भी ये रिलीफ करेगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो डेमो है कि कैसे मैंने इसको यूज किया। सो मैं यहाँ पे एक पहले माइल्ड शैम्पू से अपनी हेयर को वॉश आउट कर चुकी हूँ एंड टॉवल ड्राइड कर चुकी हूँ। राइट नाउ आई एम टेकिंग अमाउंट ऑफ दिस हेयर मास्क एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई हेयर्स। इवन मैं इसको अपने स्कैल्प में भी अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी एंड पूरे 10 मिनट तक इसको मैं मसाज करूँगी। उसके बाद मैं इसको 15 से लेकर 25 मिनट्स तक मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी एंड उसके बाद मैंने नॉर्मल वाटर से इसको वॉश आउट कर लिया। अगर आप चाहो तो आप फिर से कोई शैम्पू से इसको वॉश आउट कर सकते हो। So guys, you have seen the demo and this is how it looks like after using this beautiful hair mask. You can see this and शायद कैमरा में आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट मेरा जो हेयर है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ फील हो रहा है। बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस भी आ रही है मेरे हेयर से एंड यू कैन सी इट, ये बहुत ही सिल्की, शाइनी, सॉफ्ट एंड स्मूथ मुझे लग रहा है। अगर आप टच करेंगे ना अपने हेयर को, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट फील हो रहा है। Just look at this. और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया है। आई रियली लाइक सच काइंड ऑफ
माइल्ड फ्रेग्रेंस, सो आई रियली लव इट। तो मैं आपको ये रिकॉमेंड करूंगी कि आप इसको वीक में एक ही बार यूज कीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा स्पा में खर्चा करते हो और पार्लर में जाके स्पा करवाते हो, तो आप लोग एक बार इसी प्रोडक्ट को घर में लाके देखिए, इट विल वर्क सेम एज स्पा। डेफिनेटली कोई भी प्रोडक्ट आपको बहुत दिन के लिए तो इफेक्टिव नहीं होगा, बट डेफिनेटली इट विल कीप्स योर हेयर मैनेजेबल एंड स्मूथ फॉर एटलीस्ट 1 वीक। तो ये बहुत ही अच्छा लगा है मुझे, एंड इसके और तो वेरिएंट है, उसके बारे में मैं आपको नहीं कह सकती हूँ कि कैसा है, बट डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू दिस आर्गन हेयर मास्क। सो येस, दैट्स ऑल अ वेरी शॉर्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।